तो हे गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वसीम की टेक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने से लेकर एडसेंस पिन घर आने तक की सभी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, कैसे आप अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो और साथ ही बताऊँगा आप अपना एडसेंस पिन कैसे मंगा सकते हो। ये वीडियो बनाने में मुझे पूरे 15 दिन लग गए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता था एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें एडसेंस अकाउंट वेरीफाई कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों को सीखने को मिले और साथ ही आपको सीखने को मिले कि आप अपना एडसेंस पिन कैसे घर मंगा सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाते हैं तो आपको मेल आता है, उस मेल में लिखा होता है कि अब आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप 4 डॉक्यूमेंट के जरिए से ही वेरीफाई कर सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ पर यही 4 अलाउड है, यहाँ पर आधार कार्ड अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पैन कार्ड का यूज़ किया था और दोस्तों जैसे ही मैंने पैन कार्ड अपलोड किया तो यहाँ पर कुछ ही मिनट के बाद मेरा वेरीफाई हो गया। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल एडसेंस वाले पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरीफाई योर आइडेंटिटी। सो गाइस, जैसे ही आप वेरीफाई योर आइडेंटिटी पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पेज लोड हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, जब भी आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपना पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इंडियन पासपोर्ट, आप कुछ भी चुन सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नाम है वसीम और मैंने यहाँ पर अपना नाम फुल नेम डाल लेता हूँ। नाम आपको कैपिटल में डालना है, ठीक है, और नीचे की तरफ आपको एड्रेस डाल देना है और एड्रेस 2 लाइन है, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आपके घर पर एडसेंस पिन आएगा तो वहाँ पर जैसे ही डाकिया घर आपके लेकर आएगा तो वो कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर उसको घर भी नहीं मिलेगा ना तो वो आपके पास कॉन्टैक्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको उसके ऊपर नंबर दिखाई देगा, वो उस पर कॉल करके आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता है और आपका घर का पता लगा सकता है बढ़िया आसानी के साथ। आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको जल्दी पिन मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सब कुछ फिल कर लिया है, आपको पोस्टल कोड भी बहुत अच्छे से फिल कर देना है। अगर आपका पोस्टल कोड में दिक्कत हो गई तो आपका पिन कैंसिल भी हो सकता है। तो गाइस, चलिए यहाँ पर हम जल्दी से अपना पैन कार्ड का एक फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पैन कार्ड की फ़ोटो खींच रखी है, तो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम जल्दी से अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फाइल्स पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, जैसे ही हम फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो, तो गाइस जैसे हम फाइल पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से वो फोटो चुन लेंगे जो कि हमने एक एडिट किया है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फोटो खींचने के बाद उसको क्रॉप कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो गाइस, आप अपने पैन कार्ड का फोटो खींच लेंगे, एक फोटो खींचने के बाद आपको करना क्या है, इसे क्रॉप कर लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ फोटो आना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपने इसको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसको अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर की तरफ जल्दी से स्क्रॉल कर लेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। गाइस, जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक पेज लोड होने लग जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको 7:19 दिखाई दे रही होगी, तो अभी टाइम हुआ है, आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर दिया है 7:19। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मेल आ जाएगा। तो कभी कभी इसमें 1 दिन भी लग जाता है या फिर 2 दिन भी लग जाते हैं, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी वेट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर मेल आता है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, 7:19 हुई है और यहाँ पर हम थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं मेल आता है या नहीं, या फिर हमारे भी 24 घंटे लगते हैं या फिर 48 घंटे लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मेरे पास मेल आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी अप्लाई किया था और आप पहली जो वीडियो है उसमें देख सकते हो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे हैं और यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हो, योर आइडेंटिटी हैज बीन वेरीफाइड, प्लीज साइन इन टू योर गूगल एडसेंस अकाउंट, सेटअप ए प्राइमरी पेमेंट मेथड इफ यू वांट डन। यानी कि दोस्तों, हमारा एक बहुत जल्द 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो हमने एडसेंस वेरिफिकेशन किया है बहुत जल्दी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत जल्द हो गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा एडसेंस पिन आ चुका है फाइनली। दोस्तों, मैंने 2 तारीख को अप्लाई किया था और दोस्तों ये पूरे 9 दिन के बाद मेरे पास पहुँच चुका है।
दोस्तों फाइनली ये हमारा एडसेंस प्रीमियम हमारे पास 9 दिन में पहुंच गया है, जबकि इसको 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं हमारे पास पहुंचने में। अब दोस्तों चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं पिन कहां पर है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इसको आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने इसको इस तरह से इसको ओपन करना है, ठीक है। आप देख सकते हो आपको इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है और दोस्तों ऐसे ही आपको इधर से भी करना होगा, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से ये इस तरह हो गया है, ठीक है। अब इसको आप है सिंपली इस तरीके से खोल लेना है और आप देख सकते हो ये आपका पिन है, ठीक है। और ये पिन आपको अपने एडसेंस अकाउंट में डाल देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको वहाँ पर डाल देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब हमको ये पिन कैसे अप्लाई करना होगा, कैसे हमको ये भरना होगा, आपको आ जाना है सिंपली गूगल पर। और गूगल पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे आप एडसेंस सर्च कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको गूगल एडसेंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर का वेट करना है, एक पेज लोड होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर का वेट कर लेना है। सो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सर्चिंग चल रही है और अभी हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। और दोस्तों नीचे की तरफ आप देख सकते हो वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर ये बोला है 2 तारीख में हमने आपके पास यह पिन भेज दिया था और इसको 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो दोस्तों ये फाइनली हमारे पास आ चुका है। अब हमको इसे वेरीफाई कैसे करना है, तो सिंपली आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो पिन हमारे पास आया था अब हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। सो गाइस जल्दी से हम वो पिन डाल देते हैं। गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने अपना यह पिन गलत डाल दिया तो यहाँ पर आपको दोबारा से रिसेंड करना होगा, यानी कि दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा। फिर दोबारा से आपको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक बार में ही अच्छे से भरे, ठीक है। तो आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपना पिन डाल देते हैं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो योर बिलिंग एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बिलिंग एड्रेस था वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। और अभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हो योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो आ रहा है नोटिफिकेशन थोड़ी देर के बाद हट जाएगा। जैसे हम रिफ्रेश इसको कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यानी कि हम दोबारा से गूगल एडसेंस वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर ये हमको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने गूगल एडसेंस पर क्लिक किया और यहां पर अभी एक पेज लोड होने लग गया है और अभी आप देख सकते हो सर्चिंग चल रही है। और दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहां पर अभी हमारे सामने कोई भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा है जैसे कि पहले दिखा रहा था। और अगर हम नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहां पर अभी आप देख सकते हो योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ये कुछ देर के बाद अपडेट हो जाएगा और यहां पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो सक्सेसफुल हो वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।